हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबका डिजिटल कॉलेज पर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बहुत से चैनलों पर देखा कि सब लोग, कोई भी ये नहीं बता रहा है कि बच्चों को, जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है वो लोग अब एडमिशन लेने कब जाएंगे और एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जिससे कि बहुत बच्चों का दूर दूर कॉलेज है तो वो वापस आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके लिए आज हम वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो एडमिशन के लिए कब जाना है और एडमिशन में जाते समय क्या क्या चीज़ें आपको लेके जाने हैं, जिससे कि आप लोग वापस ना आ सकें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोग जो भी, जिन लोगों को फर्स्ट सेकंड या थर्ड तक कॉलेज मिल गया है, डीवी करवा चुके हैं, तो वो लोग 26 के बाद ही अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए जाए। तो सबसे पहले कि एडमिशन में लेके क्या क्या जाना है। लेकिन अभी आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले प्रवेश के लिए क्या क्या आपको लेके जाना है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले साइबर कैफे पे, जिस पे आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करवाया था और काउंसलिंग वगैरह करवाई थी, तो वहाँ से आप लोगों को एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिलेगा। और दूसरा जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है आप लोगों को। तीसरा एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जानी, रैंक कार्ड यानी कि रिजल्ट जो निकला था जिसपे आप लोगों की रैंक आई थी उसको भी ओरिजिनल लेके जाना है। और ऑनलाइन जो आप लोगों ने डीबी यानी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों ने जो डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे, उसके बाद में जो आप लोगों को सर्टिफिकेट मिला है उसको लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। उसके बाद शुल्क रसीद यानी कि फीस स्लिप लेके जानी, जो आप लोगों ने फीस जमा की है काउंसलिंग के समय और बाद में एडमिशन फीस जमा की है, वो दोनों की रसीदें लेके जानी है, फोटोकॉपी और रसीद दोनों चीज़ लेके जानी है। उसके बाद में आप लोगों को शपथ पत्र बनवाना होगा कि वो आप लोगों को किसी भी तहसील या कचहरी से बन जाएगा, उसे भी लेके जाना है। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट, वो भी सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, आपके सिविल हॉस्पिटल में बन जाएगा आसानी से, उसे भी ओरिजिनल लेके जाना है। फिर आपके स्कूल से जो टीसी मिली हुई है उसे भी लेके जाना है, टीसी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी दोनों लेके जाना है। फिर चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है और ओरिजिनल, और फिर यहाँ पे 10th एंड 12th दोनों की, अगर आपने 10th किया है तो 10th की और 12th किया है तो दोनों की लेके जानी है मार्कशीट अपने कॉलेज में, दोनों की लेके जानी और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो और आधार कार्ड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी लेके जानी है, 6 या 10 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप लोगों को डाल के ले जाने हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।